go to about means के go to contact, हमने रेट नेविगेशन कर दिया इसका मतलब सी इसका वो स्टैक वाला। तो आज सोर्स ऐप को चूज में फ्रंट एंड और फ्रंट एंड में स्टैक डॉट नेविगेटर जी लास्ट लेक्चर में किया एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने का। रेड नेविगेशन इंस्टॉल किया हमने ये रेक नेविगेशन नेटिव हमने इंस्टॉल किया। उसके बाद ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, हमने पढ़ा था कि ब्राउज़र राउटर की जगह मोबाइल में क्या रहता है नेविगेशन का रेट, ठीक है। उसके बाद एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए आपको चल एक ये नेटिव स्टैक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। फिर क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर की मदद से हम स्टैक क्रिएट करते हैं और स्टैक डॉट नेविगेटर के बाद स्टैक डॉट स्क्रीन उसमें एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए जी। आगे याद कुछ कि नहीं, अगर तो हो गया तो फिर नहीं तो रिप्राइज कर लेते हैं, ठीक है। कोड्स का कोई नहीं, ऐप डॉट जे एस में गए, इसमें आपके पास नेविगेशन कंटेनर आ गया, उसके अंदर आपकी सारी ऐप रैप होगी। अब स्टैक डॉट नेविगेटर स्टैक हमें कहाँ से मिल गया, हाँ क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर या आपको रैप नेविगेशन में नेटिव स्टैक और स्टैक इक्वल टू क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। अब स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर आपकी स्क्रीन बन गई होगी कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते होंगे। होम पे अगर हमने होम से अभी आप होम पे होम से आपने अबाउट में जाना है तो नेविगेशन डॉट नेविगेट अबाउट और उसमें हमने देखा था कि आप साथ में पेरेंट्स भी भेज सकते हैं, आईडी भेजेंगे तो ये आपकी आईडी और ये आपके पास प्रोडक्ट नेम। आज हम बनाते हैं फ्रंट एंड ऑथ और आपके पास डैशबोर्ड। रिएक्ट नेटिव पेपर हमने लाइब्रेरी का देखा कि रिएक्ट नेटिव पेपर एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट नेटिव पेपर इसमें क्या होता है, आपको बने बने कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, ओके जी। ये आपकी लाइब्रेरी है, इसमें क्या होता है आपको बने बने कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, इनपुट फील्ड्स मिलती हैं आपको, कार्ड्स वगैरह मिल गए, बटन्स मिल गए और ये सर्च बार वगैरह आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ ये सेटिंग में जिस तरह होता है आपके पास है, ये लिस्ट आइटम्स वगैरह एक्सपेंडेबल और ईमेल्स वगैरह जिस तरह आपके पास ये ईमेल्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं बने बने। इसको यूज़ करने का तरीका, इसके कंपोनेंट्स हैं कुछ, सबसे पहले इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका पहले इस पर बाद में आते हैं। आपके पास फ्रंट है और आपके पास ऑथ, ऑथ में आप इंडेक्स डॉट जे एस आर एन एफ सेव करें और एफ डॉट जे एस में फ्रंट एंड की जगह आप ऑथ कर लें। बस इंडेक्स आ गया, ठीक है। और इस जगह पे आपके पास फ्रंट एंड में होम जो है इसको ही कॉपी कर लें और
index.js में import create native stack navigator, यहाँ से आपको मिलेगा const stack equal to create native stack navigator, इसकी जो भी functionalities होंगी, जो भी डेटा होगा वो सारा स्टोर हो जाएगा स्टैक में। अब आप इस जगह पे स्क्रीन्स को बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह राउट्स के अंदर हम राउट करते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास स्टैक डॉट ग्रुप या फिर स्टैक डॉट नेविगेटर आता है। स्टैक डॉट नेविगेटर के अंदर अगर आपने मल्टीपल स्क्रीन्स को एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है और उन स्क्रीन्स में आप सेम फंक्शनैलिटीज करना चाहते हैं तो आप उसको ग्रुप के अंदर लेकर आ सकते हैं। मीन्स के कुछ स्क्रीन में आपने हेडर नहीं दिखाना, कुछ स्क्रीन में आपने बैकग्राउंड कलर नहीं दिखाना है, तो आप उन स्क्रीन को ग्रुप के अंदर लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज आपको हर स्क्रीन के लिए सेपरेट करना पड़ता है। स्टैक डॉट स्क्रीन का नेम, इसको आप लॉगिन कह दो, और कंपोनेंट कौन सा है इसके लिए आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन बना लें, और यहाँ पर आपके पास करें तो इस जगह पर आपके पास try to register two views with the same name. Unlocking हमने तो कहीं से भी ले लिया, फ्रंट एंड तो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इसको देखें। auth के अंदर login component login, एरर तो नहीं आना चाहिए। स्टैक डॉट नेविगेटर, स्टैक डॉट लॉगिन, लॉगिन में आपके पास बंद करके चलाएंगे तो चल जाएगा। स्टार्ट का स्टार्ट से आपके सिर्फ बहुत चीज चलती है, बिल्ड बनता है, सॉरी सर्वर आपके चलता है, बिल्ड नहीं बनता। तो पहले बिल्ड बनाना पड़ता है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन चलती है। ये आपका कंट्रोल जैसे भी ओपन हो जाता है, अदरवाइज कंट्रोल और ये बैक जो है ना बैक टिक वाला उससे भी हो जाता है। एरर कोई भी नहीं, वो बिल्ड बनाते वक्त ना अक्सर डिस्टर्ब करता है। अच्छा जी, ये आपके पास लॉगिन। अब लॉगिन हमारे पास जो स्क्रीन है, हमें इसमें वो नहीं चाहिए, इसका हेडर नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर आके ऑप्शंस हेडर
शो, इसको पॉज कर दो, आपको इसका हेडर नजर आएगा, इसका हेडर खत्म हो गया। अगर यही आप ऑथ में भी कर रहे हैं, सॉरी रजिस्टर में भी कर रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड में भी कर रहे हैं, लेकिन किसी एक स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो फिर आप जिस स्क्रीन में नहीं दिखाना चाह रहे हैं, आप उस उन स्क्रीन को एक ग्रुप में लिख सकते हैं, और उसमें सिंपल आप ये अगर बनेगा वो दो स्टैक डॉट ग्रुप स्टैक डॉट ग्रुप एक में लोगों में टैग हो गए एक एक दूसरा। वाले हाँ जी फॉर दो हो स्टैक जाएगा, डॉट ग्रुप दो बन सकते वो हैं दोनों इसके अंदर ही हैं स्टैक डॉट ग्रुप। हाँ जी इसमें होंगे। आप स्टैक डॉट स्क्रीन के अंदर स्टैक डॉट ग्रुप नहीं ले सकते हैं, ग्रुप के अंदर स्क्रीन को ले सकते हैं। अच्छा जी लॉगिन कहाँ बनाते हैं, इसमें आपके पास फ्लेक्स कंटेनर बैकग्राउंड कलर आपका कॉन्स्ट #1857 और बैकग्राउंड कलर को आपका प्राइमरी कह दें, तो आपका ये बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए प्राइमरी कलर हो गया। बटन हमारा खत्म हो जाएगा और इस जगह पर आप व्यू के साथ टेक्स्ट फ्लेक्स कंटेनर पैकिंग हॉरिजॉन्टल की जगह आप सिर्फ पैकिंग देने 12 फ्लेक्स वन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर और इसके अंदर क्योंकि आपने फ्लेक्स कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया फ्लेक्स कंटेनर, तो इसकी विड्थ उतनी होगी जितना इसमें कंटेंट है, तो इसको आप विथ 100 कर सकते हैं। अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, तो उसका पहले आप एक बार व्यू देख लें, टेस्ट इनपुट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। टेक्स्ट इनपुट तो आपके पास टेक्स्ट इनपुट इसकी स्टाइल करें, अगर स्टाइल में ऑर्डर विथ वन बॉर्डर कलर राइट, आपके पास ये आ रहा है ठीक है। अगर अब आप यहाँ पर इसको स्टाइल इसके पेरेंट को भी 100% करें, इसमें डाटा को चेंज करने के लिए डाटा देखने के लिए जब प्लेस होल्डर आपका एंटर योर ईमेल आ गया और ऑन चेंज टेक्स्ट भी आता है, ऑन चेंज टेक्स्ट आपका ऑप्शन चलेगा, इसमें आपको वैल्यू मिलेगी कंसोल आपके पास वैल्यू। अब आप इसमें जब भी वैल्यूज को चेंज करेंगे तो आपको इसका कंसोल जो है इसके इस जगह पे मिलेगा, रिफ्रेश कर लें। इंटीरियर ईमेल फॉर एग्जाम्पल ABC, तो आपको ये ABC यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है इसके कंसोल में, तो इस चीज को आप वहाँ पे भी सेट करवा सकते हैं। हाँ जी इसका अपना VS कोड का है, तो मुझे आज ही पता लगा पीछे ये जैन भाई ने बताया, तो इस चीज़ को मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, तो मैंने इनको कहा था कि आप चेक कीजिएगा, तो इसका ये अपना है वैल्यू जो भी आप इसमें चीज़ डाटा लिख लिया। वो स्ट्रिंग की हम और दोनों आगे मतलब ये
ये तो स्ट्रिंग है ना, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है साथ में, देखें के वैल्यू क्या है उसकी दूसरी स्ट्रिंग। आप यहाँ पे अगर ईमेल कर देते हैं, मीन्स कि ये फंक्शन है ना, फंक्शन में पैरा में जो भी डाटा लिखेंगे आपको उसमें ही वैल्यू मिलेगी। ओके, ये चीज़ होती है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, पहले इसको ख़त्म करें, इसका ये बिल्ड भी ख़त्म करें। अच्छा, इसमें अगर आपने ग्रेडियंट को यूज़ करना है, जिस तरह हम बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, इसमें रिएक्ट नेटिव ग्रेडियंट बैकग्राउंड, रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट के नाम से आपके पास लाइब्रेरी है। इसमें आपको आप सिंपल कलर पास करेंगे तो फिर आपको वो उसको ऑटो जनरेट करके देगा, लाइक रेक्नेटिव लीनियर ग्रेडियंट से लीनियर ग्रेडियंट मिल जाएगा। उसमें आप कलर्स एक एरे में पास करेंगे, तीन कलर्स, तो वो उसके अकॉर्डिंगली कलर को जनरेट कर देगा। तो इसमें इस तरह यूज़ किया जाता है, उसमें तो हम सिंपल कर लेते थे ना, यू आई ग्रेडियंट्स यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से कलर उठाए उसको पास करते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इसको ही यूज़ करना है और ये हमारे थीम कलर से भी मैच कर रहा है, ऐसे ही मिलता जुलते ही, आप क्या करें इसको गेट जेपीजी कर लें। आपने गेट जेपीजी किया, ये आपको रॉयल मिल गया, ठीक है। तो उसको यहाँ पर आप गेट करके उसको बीजी कहते हैं, बीजी डॉट जेपीजी, इसको ओपन करें। ये भी आपका हॉरिजॉन्टल व्यू, ठीक है, मोबाइल क्योंकि वर्टिकल है तो आप इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर लें, ये आपका वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसको सेव कर लें। जी वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना। अच्छा जी, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इस इमेज को आप लोग अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में भेजें, पैराडॉक्स सोर्स एसेट्स इमेजेस, और ये आपके पास bg डॉट jpg आ गया। लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, पेपर इसको इंस्टॉल करने के लिए npm install reactive paper, जब तक लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है उसके बाद वो कह रहे हैं कि React Native सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट को भी इंस्टॉल करो। तो React Native सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं React Navigation के साथ, अगर आपने देखने की इंस्टॉल्ड है या नहीं है तो आप कहाँ से देख सकते हैं, पैकेज डॉट जेसन, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन में जाके यहाँ पे देखें रिएक्ट नेटिव सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके पास, ठीक है, और ये उस टाइम इंस्टॉल हुआ जब आपने रिएक्ट नेविगेशन को किया, इसलिए आ रही होती है। रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों में सेम पैकेज डॉट जेसन यूज होता है। उसके बाद आपने इंस्टॉल करना है रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ठीक है, तो आइकन्स के लिए वेब में हम क्या करते थे, गूगल फॉन्ट्स या गूगल आइकन्स यूज़ कर लिए, बूटस्ट्रैप आइकन्स हो गए, फॉन्टोसम आइकन्स हो गए, काफ़ी सारे, इसमें जो है रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स बहुत मशहूर है, आप इसको इंस्टॉल कर लें, npm install रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। फॉन्ट जीरो वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है कमजोरियाँ, कि कोई भी कमजोरी नहीं नजर आएगी, इसके लाइब्रेरी में कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। द लाइब्रेरी हैज स्पेसिफाइड डेडिकेटेड स्टेप्स फॉर ईच प्लेटफॉर्म, प्लीज फॉलो देयर इंस्टॉलेशन गाइड इन ऑर्डर टू प्रॉपरली यूज आइकन फॉन्ट्स। इसमें आपके पास अब रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स के लिए Install React Native Vector Icons. Okay, please follow the installation guide. इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको मज़ीद इसकी इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगी कि आपने करना क्या क्या है। Vector Icons हमने Android के लिए करना है,
इसमें ये सारे आइकन्स हैं एंड डिज़ाइन के, और एंड टाइपो एवल आइकन्स, फॉन्ट ऑसम 5 के हैं, और मटेरियल आइकन्स भी हैं। तो ये सारे आइकन्स आपको इसमें मिल जाते हैं। आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, आईओएस के लिए नहीं हम कह रहे हैं, हम इसके लिए कह रहे हैं फिलहाल एंड्रॉयड के लिए। तो ऑप्शन विद ग्रेटर रिकमेंडेड है। तो अब ये आपको कह रहा है दिस मेथड हैज द एडवांटेज ऑफ फॉन्ट्स बीइंग कॉपीड फ्रॉम दिस मॉड्यूल एट बिल्ड सो टाइम सो दैट द फॉन्ट्स एंड जेएस आर ऑलवेज इन सिंक, मेकिंग अपग्रेड पेनलेस। एडिट करें एंड्रॉयड ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेटर, साथ में वो कह भी रहे नॉट एंड्रॉयड बिल्ड डॉट ग्रेटर, ठीक है। तो एंड्रॉयड के अंदर जो ऐप होल्डर है उसके बिल्ड डॉट ग्रेटर में आपने इसको कर देना है अप्लाई। एंड्रॉयड के अंदर ऐप, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेटर, इस जगह पर आप इसको अप्लाई करवा दें। इसको सेव करें और उसके बाद टू कस्टमाइज द फाइल बीइंग कॉपीड एट द फॉलोइंग इंस्टेड, हमने ये नहीं करना, ऑप्शन मैनुअली और इंटीग्रेटेड बस हमने और नहीं करना बेटा, इसी वजह करना। ओके, लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, उसके बाद अब आपने npx react native run android मोबाइल पे कोडिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, खासतौर पर ये बिल्ड वगैरह बनाने के चक्कर में ना टाइम बहुत वेस्ट होता है। ओके जी, बिल्ड हमारा बन चुका है। ये आपके पास आ गया, सोर्स स्क्रीन्स ऑथ में लोकेट, व्यू टेक्स्ट लोकेट स्टाइल स्टाइल्स डॉट हेडिंग, एक हेडिंग बनाने बाइट, फॉन्ट साइज 48। अच्छा, इसमें जो 48 है ना काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि मोबाइल में वैसे आपको टेक्स्ट काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट स्मॉल स्मॉल दिखने को मिल रहा होता है, तो इसकी जगह आप इसको 30 करें, ये ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर मार्जिन बॉटम 24, तो ये आपके पास सेंटर में आ गया। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट की जगह, टेक्स्ट इनपुट जो है रिएक्ट नेटिव का अपना है, तो इसकी जगह हमने यूज करना है जी जो भी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की उस काम करेंगे, उसमें आपको चीज़ें बनी बनी मिल जाती हैं। कंपोनेंट्स, इसमें कंपोनेंट्स में आपके पास ये टेक्स्ट इनपुट है। टेक्स्ट इनपुट में आपको दो तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, एक ये
इस तरह का, और एक आपको साथ में आइकन वाला मिल रहा होता है, ये आइकन वाला और एक ये चीज मिल रही होती है। तो हमें ये वाली चीज चाहिए। इसमें ना दरअसल इन्होंने आइकन दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे आइकन नहीं आना चाहिए था, ठीक है। आइकन वाले में आपको आइकन नजर आएगा, और साथ में इसके कुछ मोड हैं, ये आप में इसमें कोई मोड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन एफएक्स में इसमें आपके पास ये मोड आ रहा है आउटलाइन, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं, ये आप देख लीजिएगा आपको इसमें नजर आ जाएगा। टेक्स्ट इनपुट पेपर से सेव करें, मोड आउटलाइंड लेबल आउटलाइंड इनपुट इसमें आपको चाहिए, और आपको तो आपको और मोड आउटलाइंड लेबल ईमेल बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए। तो स्टाइल में इसका डिफॉल्ट कलर ये थीम कलर, ईमेल आनी चाहिए, लेकिन हमने कुछ लेबल सर लेबल को मोड के ऊपर लिखे नहीं, नहीं वो ऑटो हो जाना, ये किसी वजह से नहीं हो रहा, वरना ये ठीक काम करता है। पर सबसे पहले तो हम इसका वो करें चेंज। अच्छा, इसमें आपको प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर भी मिल जाता है, ठीक है, अलग से वाइट हमें चाहिए, तो आपके पास वाइट हो जाएगा। बैकग्राउंड इमेज के लिए आपको यहाँ पर रिएक्ट नेटिव से इमेज बैकग्राउंड देता है, तो इमेज बैकग्राउंड में आपको सबसे पहले आप इमेज को इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट जी फ्रॉम एसेट्स में इमेजेस में जी डॉट जेपीजी, और व्यू की जगह इमेज बैकग्राउंड, सोर्स में आपके पास चेंज हो गई इमेज। नहीं वो हमने साइज लिया ही, वो है ना बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और आपके पास बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट वो पूरी ऐप में चेंज हो सकता है, इसके थीम को करना पड़ता है सिंपल, अलग अलग भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसके थीम को कर दें तो पूरी एप्लीकेशन में चेंज, जरा बूटस्ट्रैप में जब करते थे प्राइमरी चेंज करते थे पूरी बूटस्ट्रैप में चेंज हो जाता है, इसी तरह इसमें भी हो जाता है। अच्छा, हमारे लिए ऑन चेंज टेक्स्ट, ऑन चेंज टेक्स्ट में आपको ईमेल यहाँ से लेना है, इसमें नेविगेशन की हमें जरूरत फिलहाल तो नहीं, आपके पास ईमेल हो गया जी, यूज स्टेट यूज इफेक्ट ऑन स्टेट
set state equal to use state initial state, बाकी चीजें हो गई आपकी सारी react वाली. const initial state equal to email आपका blank, password आपका blank है फिलहाल. स्टेट और सेट स्टेट कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन इक्वल टू इसमें आपको लेट ईमेल और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा. स्टेट्स अगर ईमेल नहीं है alert is password password length less than 6 please enter password correctly. CL में स्टेट आपको मिल जाएगी. टेक्स्ट इनपुट और इस जगह पर आप ये वाला ले सकते हैं टेक्स्ट इनपुट पासवर्ड. इसमें देखिए सिक्योर टेक्स्ट एंट्री आ रहा है. ठीक है सेव करें तो आपके पास ये आ गया. मोड आप आउटलाइन ही ले लें. जी क्या चीज मोड ऑफलाइन लेवल पासवर्ड सिक्योर टेक्स्ट एंट्री. अच्छा इसमें प्लेस ऑर्डर की जरूरत नहीं. तो बस ये हो गया. और बटन इसका बटन इसमें कुछ इस तरह के है. टेक्स्ट बटन है, आउटलाइन बटन है, कंटेन बटन है, एलिवेटेड और कंटेन टोनल. तो बटन ले लें और बटन आइकन हमें नहीं चाहिए. वो देख लेते हैं ऑन प्रेस में आपके पास भी आ जाएगा. बटन इंपोर्ट नहीं काम है. बटन करना है जी अपने टिप पेपर आपका. इसमें बटन में इसको स्टाइल पास करते हैं. मार्जिन वर्टिकल 60 ज्यादा उसे प्लस करते हैं 8 करते हैं. अरे बटन विड्थ कम नहीं करनी हमें. इसको चेंज करना है थोड़ा सा स्टाइल में. अब आप ऑन प्रेस जब कर रहे हैं तो आपका चलना चाहिए हैंडल लॉगिन. इस जगह पर आपके पास लॉगिन और आपके पास लॉगिन में आप जैसे लॉगिन पे प्रेस करेंगे कह रहा प्लीज एंटर योर ईमेल. करेक्ट
अच्छा वो लास्ट टाइम हमने देखा था एमएल का नहीं होता है ऐसे ही इससे कंट्रोल हो जाता है। अच्छा यहाँ पे कीबोर्ड हमें ईमेल वाला चाहिए तो इस जगह पर आप कीबोर्ड टाइप ईमेल लेटर्स जैसे आप सेव करेंगे देखिएगा यहाँ पे कीबोर्ड पर ईमेल वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है ये ईमेल का आ गया आपके पास अब abc@gmail.com कर दिया लॉगिन करें तो प्लीज एंटर योर ईमेल पर सिर्फ इस ऐप को यूज करते हुए और इस इनपुट के लिए। अच्छा जी ऑन चेंज टेक्स्ट पे ईमेल तो हम लेते हैं लेकिन कंसोल करवा रहे हैं हमें इसको सेट करवाना है स्टेट में सेट स्टेट और आपके पास प्रीवियस स्टेट आएगी स्टेट में ईमेल में ईमेल आ जाए और पासवर्ड में पासवर्ड आ जाएगा। आपके पास सेट स्टेट करवाया ये आपको प्रीवियस स्टेट मिल गई है जो भी पुराना डाटा पड़ा हुआ क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है हमने उसको स्प्रेड कर दिया पुराना डाटा जितना भी है और न्यू डाटा जो ईमेल होगा ईमेल में आपके पास ये ईमेल ही आ रही होगी। सेट स्टेट यहाँ पे रहेगा ना हम स्टेट से फिर वैल्यूज को बिल्ड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्लीज एंटर योर पासवर्ड करेक्टली पासवर्ड पर है। अच्छा पासवर्ड पर जब आप आते हैं ना तो सिक्योरिटी की वजह से ये आपको स्टक कर देता है ये नहीं चल रहा आपको आपको नजर नहीं आ रहा जिसमें ठीक है लेकिन ये वर्किंग कर रहा है ईमेल में चल रहा था लॉग इन करें आगे वाली जाता हूँ लॉग इन करें तो लॉग इन हो रहा है और डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है इस जगह पे ईमेल में ईमेल आ गई पासवर्ड में पासवर्ड आ गया। लेकिन अगर यही कोई आपके पास 10-20 हो इनपुट के फील्ड्स तो क्या आप हर जगह सेट स्टेट करवा रहे होंगे हम रिएक्ट में क्या करते थे ये इनपुट फील्ड्स को गेट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं कौन सा ऑन चेंज पे क्या लिखते थे हैंडल चेंज। ठीक है तो इस पे भी हम हैंडल चेंज करें equal to उसमें क्या होता था const हम देते थे name और value कहां से e.target से ऐसे क्या इस जगह पर आपको e मिल रहा होता था लेकिन इसमें आपको event नहीं मिलता जिसकी मदद से आपको target में object नहीं मिलता और object में आपको name और value नहीं मिलता। तो यहां पर आपने अब क्या करना है name और वैल्यू आप इस तरह ही ले लें सेट स्टेट प्रीवियस स्टेट प्रीवियस स्टेट हो गए और साथ में नेम के आगे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है इस हैंडल चेंज में अब आपके पास नेम और वैल्यू दो वैल्यूज आनी चाहिए आपको वैल्यू तो मिल रही है इसमें। ठीक है तो अब हमने क्या करना है इस जगह पे यहाँ पर हैंडल चेंज फर्स्ट में आप ईमेल लिखेंगे और सेकंड में आपके पास वैल्यू यहाँ से अब जो भी वैल्यू जाएगी वो आपको इस हैंडल चेंज में मिलेगी चेंज करने पे ईमेल के अगेंस्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी और इसमें भी आपको यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड में जाना चाहिए सेव करें फंक्शन एक ही बन गया हैंडल चेंज में वैल्यू चेंज होती जाएंगी और हैंडल लॉगिन पे आपको वो डाटा मिल जाना चाहिए। जी पैरामीटर पास किए एक नेम का और एक वैल्यू का क्योंकि उसमें रिएक्ट में क्या होता था उसमें ऑटोमेटिक मिलता था जी रिएक्ट उसमें आपको वेब है ना वो उसमें इवेंट और टारगेट में इनपुट फील्ड मिल जाती है ये आपका कंपोनेंट है ये एलिमेंट है वो एलिमेंट होता है इस वजह से। ठीक
फिर ए बी सी पासवर्ड ए एस डी एफ जी एच हमने कर दिया। अब अगर आप लॉगिन करें तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है, ए बी सी जी मेल डॉट कॉम पासवर्ड ए एस एफ एफ जी एच आ गया। तो डाटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड आ गया तब हम लॉगिन करवा सकते हैं। ओके, तो लॉगिन करवाने के लिए जी इतना क्लियर है, कोई सवाल वगैरह हो किसी का? लॉगिन हो गया और आपके पास इसमें ना तो रो है, ना कंटेनर, ना इनपुट, ना टेक्स्ट, ना ही इमेज, ना ही बॉक्स, सेव करने और ठीक है। और आपके पास इस जगह जी, अब हम क्या करते हैं, इसको फायरबेस पे आ जाते हैं। जी 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 वो नहीं देख सकते, सिर्फ आपको लाइब्रेरी में से कंपोनेंट मिलता है, कंपोनेंट आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे होता होगा मीन्स के इस जगह पे, लेकिन आपको समझ ही नहीं लगी ये बटन, ये कौन सा बटन हो रहा है, ठीक है। इसमें देखें कितने पैरामीटर्स मिल रहे हैं आपको, डिसेबल्ड, कॉम्पैक्ट, मोड बाय डिफॉल्ट क्या है, टेक्स्ट है, थीम उसका डार्क, इज लोडिंग आइकन, ये सारे प्रॉप्स हैं। अब आपको नहीं समझ लगनी इसमें क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में उसका कोड है, उस बटन कंपोनेंट का बस, ठीक है, जो आप एक सिंगल लाइन में यूज कर रहे हैं ये आपका बटन कंपोनेंट का बस। अच्छा जी, अब फायरबेस के लिए आपके पास चीज होनी चाहिए रिएक्ट नेटिव फायरबेस, ये लाइब्रेरी है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव फायरबेस। प्रोजेक्ट आपका वही होगा जो आप ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, सिर्फ इसमें लिंक करने का तरीका चेंज है। अच्छा एक और चीज, जब भी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने लगे उससे पहले अपना कोड ना सेव कर लिया करें, सेव करने से मुराद उसको गिटहब में पुश कर लें, क्योंकि लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हुए अक्सर क्या होता है आपकी ऐप क्रैश हो जाती है, कोई ऐसा एरर साथ में लिंक हो जाता है जो रिजोल्व भी नहीं होता है। तो लिंक करने से पहले पहले जितना आपका कोड था वो आपका सेव रहेगा, तो आप उस स्टेज पे दोबारा जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोड जो ख़राब आपसे हो गया है और आपने उसको पुश कर दिया तो फिर भी आप पुराने स्टेज पे जा सकते होंगे, लेकिन अगर कोड सेव ही नहीं कहीं भी किया हुआ और कोई एरर आ गया आपको समझ भी नहीं लग रही है तो फिर आपको दोबारा शुरू से प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो लेक्चर सेंड किया हुआ है गिटहब का, सिंपल है। अभी तो यानी कि सिंपल है, नहीं तो हमने बनाया वेब टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन प्रोफेशनल जब आप कर रहे हो तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, या फिर खासतौर पर जब आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो। कोई बात नहीं, हम प्रोजेक्ट दोबारा कर लेंगे। ओके जी, प्री रिक्विजिट्स में क्या है, रिएक्ट नेटिव, सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए, npm install। और अच्छा, सबसे पहले रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट है हमारे पास और फायरबेस पे आपका ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, फायरबेस, गो टू कंसोल, कंसोल में आपके पास ये कोकोनट फायरबेस, ये आप लोगों ने करवाया था मेरे ख्याल से। इसमें हमारी एक रिएक्ट ऐप इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इनिशियल लेवल पे हमने एक वेब ऐप को इंस्टॉल किया था। इसमें देखें डाटा है, कोई डिजाइन का बताया, उससे बहुत इजीली बन जाता है। कुछ भी नहीं लगता,
डाटा गेट ही करना होता है, वो आपको डाटा गेट करना तो आता ही है। डाटा गेट किया, उसको शो करवा दिया सिंपल। ओके, ये हमारे पास मैसेजेस जो हम करते आ रहे थे, ठीक है। मैसेजेस ये जो डाटा है इसको डिलीट कर दें, हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। अच्छा, अब आपके पास प्रोजेक्ट ओवरव्यू इस जगह पे ऑनलाइन वाले से पूछ लो। स्क्रीन स्टक है तब से, बाकी स्क्रीन तो शेयर हो रही है। वो आएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा जी, फायरबेस आपका रिएक्ट नेटिव फायरबेस, इसके लिए आपके पास है प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के लिए आपको सबसे पहले अपनी एंड्रॉइड ऐप को इसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी वेब ऐप ऑलरेडी एक है, रिएक्ट ऐप। अब ऐड ऐप करें, और हमें कौन सी चाहिए? एंड्रॉइड। ये आपकी iOS है, एंड्रॉइड वेब हम कर चुके हैं, ये आपकी यूनिटी और ये आपका फ्लटर। तो हमें एंड्रॉइड के लिए चाहिए, तो एंड्रॉइड यहाँ पर आपने com.company.name देना है। एंड्रॉइड पैकेज नेम सेम होना चाहिए जो आपकी ऐप का नेम है। आपकी ऐप का नेम जो है पैराडॉक्स है, तो आपका com.paradox बनेगा। एंड्रॉइड यहाँ पर कहीं देखें, पैराडॉक्स लिखें, ये तो सिर्फ नेम है ना, com.paradox होना चाहिए कहीं पे लिखा, ये रहा, ठीक है। पैकेज है आपका com.paradox, और एप्लीकेशन की आईडी क्या है? com.paradox, ठीक है। आपने इसको कॉपी कर लेना, और ये इस नाम से फिर दोबारा भी ऐप बना सकते com.paradox, ये आपका सेम होना चाहिए। और निक नेम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, पैराडॉक्स एंड्रॉइड, ये भी ऑप्शनल है। ऐप को रजिस्टर कर लें, उसमें क्या होता था, हम कन्फिग की एक फाइल बनाते थे, उसमें अपनी सारी कन्फिग्रेशन को खुद से ऐड करते थे। इसमें क्या होता है, आपको एक फाइल मिल जाती है, ठीक है। इस फाइल को आप लोग डाउनलोड कर लें, तो ये फाइल आपकी ये डाउनलोड हो चुकी गूगल सर्विसेज के नाम से। फाइल का नेम भी यही होना चाहिए। नेक्स्ट करें, इन सब चीज़ों को आप लोग यहाँ से स्किप कर दें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी रिएक्ट नेटिव फायरबेस के उसमें से। और इसको मजीद नेक्स्ट कर दें। जी कॉन्टेंट सेलेक्ट किया, क्या किया? वो कॉन्फ़िगरेशन में बता रहे हैं, जावा करेंगे तो जावा के आएगी, कॉटलिन करेंगे तो कॉटलिन के आएगी। ये सिर्फ ऐड करने के लिए, हमने ऐड तो नहीं करवाना। कंटिन्यू टू कंसोल, आपके पास ये प्रोजेक्ट फोल्डर में, अच्छा जी वो अब कह क्या रहे, हमें सिर्फ ये फाइल ही चाहिए थी यहाँ से, रिएक्ट नेटिव फायरबेस। आपने इस ऐप को इंस्टॉल, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद द रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप मॉड्यूल मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर यूजिंग एनी अदर फायरबेस सर्विसेज। तो जिस तरह अगर आपने ऑथ को करना है, जिस तरह हमें रिएक्ट नेविगेशन में क्या किया, हमने नेटिव को इंस्टॉल किया, उसके बाद अगर स्टैक स्क्रीन करेंगे तो स्टैक को इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह फायरबेस में ऐप आपकी लाजमी होनी चाहिए। अगर आप लोग ऑथ कर रहे हैं तो ऑथ को इंस्टॉल करेंगे, फाइल स्टोर करें तो फाइल स्टोर को इंस्टॉल करेंगे सेपरेटली, लेकिन ये लाजमी होना चाहिए। अच्छा, एंड्रॉइड सेटअप के लिए आपके पास गेट टू अलाउ द एंड्रॉइड ऐप टू सिक्योरली कनेक्ट टू योर फायरबेस प्रोजेक्ट, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल मस्ट बी डाउनलोडेड एंड एडिड टू योर प्रोजेक्ट। ये वही फाइल जो अभी हमने डाउनलोड किया। अब जनरेटिंग एंड्रॉइड क्रीडेंशियल्स, फायरबेस कंसोल से आपको वो मिल चुका है। हमने उस फाइल को डाउनलोड दी गूगल सर्विस डॉट जेसन डाउनलोड कर चुके हैं।
फाइल एंड प्लेस इट इनसाइड ऑफ योर प्रोजेक्ट और एट द फॉलोइंग लोकेशन. कहाँ पे करना है? एंड्रॉइड ऐप के अंदर गूगल सर्विसेज डॉट जेएसएन की फाइल होनी चाहिए. तो एंड्रॉइड ऐप के अंदर ये आपके पास एंड्रॉइड ऐप के अंदर एंड्रॉइड ऐप के अंदर गूगल सर्विसेज डॉट जेएसएन की फाइल आ गई आपके पास. अब उसके बाद हमने क्या करना है? कॉन्फ़िगर फाइल बेस. हमने ऐप को फाइल तो रख दी लेकिन उसे कैसे पता लगना है यही फाइल को आपने लिंक करवाना है, ऐड करवाना है. टू अलाउ फायरबेस ऑन एंड्रॉइड टू यूज़ दी क्रीडेंशियल द गूगल सर्विसेज प्लगइन मस्ट बी इनेबल्ड ऑन दी प्रोजेक्ट. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल सर्विसेज एंड्रॉइड में बिल्ड डॉट क्रेडल में जाएँ. एंड्रॉइड में बिल्ड डॉट क्रेडल इस जगह पे बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर डिपेंडेंसीज, बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज में आपने इस चीज़ को ऐड करवा देना. अदर डिपेंडेंसीज ऊपर होंगी और ये आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी. फिर अदर डिपेंडेंसीज ऊपर ये आपकी इस जगह पर आ गई. और लास्टली एग्जीक्यूट दी प्लगइन बाय एडिंग टू योर एडिंग फॉलोइंग योर फॉलोइंग टू योर एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट क्रेडल. अब आपने एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाएंगे और इस जगह पे कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट एप्लीकेशन पहले कॉम डॉट एंड्रॉइड डॉट एप्लीकेशन यहाँ पर है तो इसके नीचे आपने इस लाइन को ऐड करना है. तो इसके नीचे इस लाइन को ऐड कर दें, सेव करें और बस हमारा ये काम था. आईओएस के लिए नहीं हमने करना. और जब ये लिंक हो चुका है तो आपके पास npx react native run android इसको रन करें. अब ये मजीद कुछ टाइम लेगी क्योंकि लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल किया है और वो उस पूरे प्रोजेक्ट में इसको कंफिगर करेगा, फिर ये आपको रिटर्न करेगा एप्लीकेशन. अगर कोई एरर आ गया दरमियान में इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थी फाइल से एंड्रॉइड की है बेसिकली सारी. नहीं ग्रेडल तो वैसे ही होगा वो एपीएस का बढ़िया था. एपीएस जो नॉर्मल छोड़ के स्टार्ट में 6100 स्टार्ट होगी पीछे ठीक है. वो एपीएस जो स्टार्ट में छोड़ी थी ऑप्शन तो कौन सा एसएचए वन जी थी फिर वो कौन होती वो सिक्योरिटी के होते हैं एंड्रॉइड में क्योंकि हम तो ये इसके लिए कर रहे हैं ना आप तो इसमें नहीं होती थी वो एपीएस ऑप्शनल है ना वो बाद में देखेंगे वो आपको आगे मिल जाती है ऑथ के ड्यूरिंग ना जब आप ऑथ कर रहे होते हैं सेटअप कर रहे होते हैं. अभी हमने किया था ईमेल के साथ तो अगर आपने फ़ोन नंबर वगैरह के साथ करो तो वहाँ पे आपको वो जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है वो आप जनरेट करेंगे और इस जगह पे आपको लिंक देंगे. बड़े एडवांस चीज़ हैं सर्वर हमारा बंद हो चुका है पर बिल्ड एक बार बन जाए उसके बाद हम उसको दोबारा स्टार्ट कर लेंगे. रिकॉर्डिंग
ये बिल्ड जब अगर आपका ये बन जाता है, ये तो आपका सेटअप हो गया ना बेसिक फायर बेस का। उसके बाद अगर हमने ऑथ करना है तो ऑथेंटिकेशन में आपके पास इसका यूजेज में जाए, इसको यूज़ कैसे करना है। फायर बेस ऐप है हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, अब हमने साथ में इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, ये एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर इसके बाद दोबारा बिल्ड बना के लॉगिन करवा के देखेंगे। लॉगिन आज के देख लेते हैं, कल फिर मजीद इसका फायर स्टोर कर लेंगे और इस तरह आपकी फायर बेस भी कम्प्लीट हो जाएगी। प्रैक्टिस ये कर लें, इसके बाद एक बार आप इसमें यानी कि इजी टू यूज हो जाए कि आपको समय लग जाए इसके, उसके बाद फिर ईद के बाद हमें चला नॉन जेस की तरफ मूव करेंगे। मोंगोडी भी एक्चुअल में डाटा बेस है, उसको आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। नॉन जेस वगैरह मन स्टैक फिर पूरा होगा ना आपका, तो आपको टाइम मिल जाएगा क्योंकि दरम्यान में रमजान भी है और आप लोगों का जो प्रोजेक्ट वगैरह होगा वो तब तक आप कंप्लीट कर लेंगे। प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते ही रहें तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपने रेक्टिव का प्रोजेक्ट भी नहीं क्रिएट किया और आप दूसरा तीसरा अपना यहाँ पे रेक्टिव पढ़ लें तो सिर्फ पढ़ने का नहीं फायदा। उसमें ही आ जाता है एक्सप्रेस आपका सर्वर, नॉन जेएस के सर्वर में आते हैं। MongoDB डेटाबेस है, ये फायरबेस है ना, फायरबेस की फाइव स्टोर डेटाबेस है, उसी तरह MongoDB एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है जो Node.js के साथ काम करती है। NoSQL जरूरी नहीं है लेकिन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसका अक्सर है जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई फायरबेस नहीं यूज़ करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मन स्टैक ही कम्प्लीट हो, प्योर मन स्टैक। उसमें क्या होता है MongoDB एक्सप्रेस रिएक्ट नोड होता है, हाँ जी उसमें MongoDB भी हो रहा होता है, इसमें आपका फायरबेस नहीं हो रहा होता। ओके जी, ये हमारा बिल्ड तो बन चुका है, अब हमने npm auth को इंस्टॉल कर लेते हैं, रिएक्ट नेटिव फायरबेस auth। अच्छा, इसी के साथ साथ हम फाइल स्टोर को भी कर लेते हैं ताकि हमें बाद में ना करना पड़े, सिर्फ लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करते हैं उसके बाद। अच्छा, फाइल बेस के साथ फाइल स्टोर का सब लिख रहा है, ऑथ हो गया और फाइल स्टोर। ये आपका फाइल स्टोर हो चुका है, इसमें आपके पास npm से जो दो महीने होगी छुट्टी इसलिए अगर किसी ने प्रैक्टिस ना की वो तो अच्छी बोल ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट देंगे जी, इसके बाद आपको प्रोजेक्ट ही मिलना है, आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट क्या है। पहले तो वेबसाइट भी होगा, बैंकिंग उसी को मोबाइल में जो कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कर लेंगे। बैंकिंग या कोई नहीं, नहीं ई कॉमर्स। That is going to happen. We are going to happen.
जी ठीक है, हाँ जी इसे दुकान करते हैं। ओके इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन क्योंकि आपका सर्वर बंद हो गया यहाँ पे वो आपको एरर दे देगा, तो अगर तो आपने सिर्फ उसको ही चलाना है यहाँ पर आपको उसका ये एरर आ जाना चाहिए, एरर आ गया। आप अगर सिर्फ स्टार्ट करें आपका बिल्ड जो बना है उसका सारा डाटा आपके पास इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका बंडल बन रहा है, ठीक है जी। ये आपकी ऐप आ गई। अब अगर इसको साइन इन करना है, यहाँ पे पहले देखें आपके यूजर्स कुछ बने हैं ऑथेंटिकेशन में, ये आपके बने हैं, ठीक है abc@gmail.com। इसमें आपके पास कोड आएगा ऑथेंटिकेशन में, सिंपल आपने करना क्या है ईमेल पासवर्ड साइन इन, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड से क्रिएट होते हैं, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड से साइन इन हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑथ मिल जाएगा, सोर्स स्क्रीन्स ऑथ और लॉगिन इस जगह पे, अगर सब चीज़ें कंप्लीट है तो ऑथ में आपको ऑथ इंपोर्ट ऑथ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऑथ, इस ऑथ में क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड की जगह साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, इस जगह पर आप लोग ईमेल पास करेंगे और इस जगह पर आप लोग पासवर्ड पास करेंगे, अगर तो सक्सेसफुल हो जाएगा यूजर अकाउंट क्रिएटेड एंड साइन इन, अदरवाइज कैच में अगर एरर डॉट कोड इसके बराबर है दैट ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, और क्योंकि ये आपका क्रिएट करते वक्त है, और अगर ये है तो ये चीज़ हो जाएगी कंसोल डॉट नोट स्टेट सी एल एरर, इसको सेव करें और यहाँ पर आए ईमेल में आपके पास है abc@gmail.com और पासवर्ड 123456, अब मुझे नहीं आती पासवर्ड है भी या नहीं तो इसको देख लेते हैं पासवर्ड लगता है कि नहीं लगता है, अगर तो लॉगिन पे हो जाएगा तो आपको बता देगा। ओके यूज़र अकाउंट क्रिएटेड एंड साइन इन मीन्स के ईमेल भी ठीक लग गया और पासवर्ड भी ठीक लग गया, क्योंकि हम डिफॉल्ट शुरू से वही करते आ रहे हैं, तो इस जगह पर आपके पास क्रिएटेड की जगह सिर्फ साइन इन है, बस क्योंकि हम साइन इन करवा रहे हैं, साइन अप करवाना होता तो क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड आ जाता, तो इस तरह ही आपका साइन इन हो जाएगा। बाकी भी साइन इन करवाने के बाद इस जगह पर नेविगेशन डॉट नेविगेट आप लोग होम पे भेज सकते हैं जब लोग यूज़र साइन इन हो जाए, तो इस तरह ही आपका साइन इन हो जाएगा। बाकी ऑथ भी जो है मजीद साइन अप किस तरह कर सकते हैं और ऑलरेडी साइन इन जो है वो कैसे गेट कर सकते हैं और डाटा किस तरह ऐड करवा सकते हैं, रीड किस तरह कर सकते हैं, वो फिर हम कल देख लेंगे इंशाल्लाह। जी कोई सवाल हो किसी का? ठीक है जी, जजाक अल्लाह।